झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा पेपर थ्री का कंप्यूटर लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे 20 क्वेश्चन बनेगा आपका पेपर थ्री में जेएससी सीजीएल एग्जाम 2022 में। वीडियो का पार्ट नंबर 26, सारे पार्ट्स आप लोग रिवाइज कर लें, अब आपका एग्जाम पास है। सारे पार्ट्स आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, जो पुराने हैं और जो नए हैं सारे जाकर वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा अगर सारा लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं तो, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में बहुत सारा चीज़ मैं प्रोवाइड यहाँ पे करा चुका हूँ। और अब थोड़ा जल्दी जल्दी आपको वीडियो देता हूँ, ओके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, क्या है आपको यह पता चल जाने वाला है। पेपर वन के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए कोर्स आप लोग जस्ट 399 ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वहाँ पर संधि पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो आपको पढ़ाया था, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो ये सब जो नंबर सिस्टम जो पढ़ाया था आपको, तो उसी में से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो बेस होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, अगर कन्वर्ट करने में दिक्कत होगा, अगर नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत होगा, तो इसका आपका बकायदा प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा, सारा एक बार चेकआउट कर लें आप लोग, ओके। तो देखते हैं व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है आप लोगों को अगर आइडिया हो, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ऑन एंड ओकेन, डेकेन, ऐसे पढ़े होंगे। तो ऑक्टेन जो होता है ऐसे आठवां नंबर पर पड़ता है, तो लगा लीजिए इसका बेस 8 होता है ऑक्टेन का, उसी से नाम से है ऑक्टेन, ओके। उसके बाद जो एक बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम जिसका बेस कितना होता है 2 होता है, और एक होता है आपका डेसिमल सिस्टम जिसका बेस होता है आपका 10, ओके। तो इसको याद रखें, ये होता है आपका डेसिमल सिस्टम। क्या होता है? डेसिमल सिस्टम। एक जो 16 देखने को मिल रहा है वह हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम का जो होता है बेस 16 होता है। अगर बाइनरी सिस्टम के बारे में बात करें तो सिर्फ 0 और 1 होता है जो कि सिंपल होता है। उसके बाद डेसिमल सिस्टम में, उसके बाद आ गया डेसिमल सिस्टम, जैसे ऑप्शन उसी चल रहा हूँ, जो डेसिमल सिस्टम है उसमें 0 to 9 हो गया, तो टोटल 10 डिजिट हो गया, तो इसका बेस 10 हो गया। उसके बाद जो आप लोग ऑक्टेन देख रहे थे, जो ऑक्टल नंबर सिस्टम था वो 0 से लेकर 7 तक होता है डिजिट, यानी कि 8 हो गया। और हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में आप लोग देखेंगे 0 to 9 तक डिजिट होता है, उसके बाद ए से लेकर एफ तक होता है, एफ 6 होता है, तो टोटल 9, 10 और 6, 16 हो गया। यहाँ से काउंट कर लीजिए, 0 से 9 तक 10 आ जाएगा और ए से एफ तक 6, तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से सबका मैं बेस बता दिया, आंसर आपका 8 हो जाएगा। नंबर सिस्टम आप लोग ध्यान से देख लें, जो बेस 2 होता है बाइनरी, 10 का होता है डेसिमल, 8 का होता है ऑक्टल और 16 का होता है हेक्साडेसिमल। तो ये सब कुछ कुछ बेस होता है, बकायदा इसका वीडियो है, आप लोग चेकआउट कर लें। आप लोग जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसआई। एमएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसआई का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, माइक्रो स्टार इंटीग्रेशन या फिर माइक्रो स्केल इंटीग्रेशन। देख रहे हैं ऑप्शन कितने सिमिलर हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। होता है एमएसआई का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई। अगर एलएसआई का फुल फॉर्म पूछे तो क्या हो जाएगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर वीएलएसआई का पूछे तो क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का फुल फॉर्म पूछे तो क्या बोलेगा? यूएलएसआई का फुल फॉर्म पूछे तो क्या बोलेगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यही था जो क्या आपका जो फोर्थ जनरेशन में आप लोग यूज किए थे, ओके, और फिफ्थ जनरेशन में यूज किए थे। वीएलएसआई का प्रयोग आप लोग माइक्रो प्रोसेसर वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, ओके, इसको याद रखें। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो इसको याद रखें। माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज होता स्टार्ट किया था आपको 1970s में, यानी कि 1970 के आसपास, ओके, यानी कि 1970-1971 देख लीजिएगा डेट। तो क्या हो गया फुल फॉर्म? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसको याद रखें। एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी होता है, तो उसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ाया था आपको, इंटरप्रेटर के बारे में कौन सही है? इट कैन कन्वर्ट एन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, एक बार में एक ही निर्देश को ऐसे तब्दील करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है। इट कैन कन्वर्ट द होल प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम को एक समय में पूरे कार्यक्रम को तब्दील कर सकता है, सही बात है या नहीं? मल्टीपल एक्सप्लेनेशन इज नॉट नीडेड, मल्टीपल एक्सप्लेनेशन इसमें जरूरत नहीं होता है, या इसमें नन ऑफ दिस, कोई इसमें सही नहीं है। क्या सही नहीं है? और इसमें से पूछा है क्या सही है, तो क्या सही है वह टिक लगाना है आपको। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सही है 2 और 3 सही नहीं है, और डी भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें से एक सही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इट कैन कन्वर्ट एन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को लेता है। आपको मैं इंटरप्रेटर के बारे में बताया था, बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत भी किए थे, आपको मैं ये भी बताया था कि जब मैं इंटरप्रेटर के बारे में डाला था कि क्या करता है, तो 3 तरह का चीज़ आप लोग को देखने को मिलता है कन्वर्ट करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज को आप लोग लो लेवल लैंग्वेज में करते हैं तो, ओके। तो पहला आता है जो अभी जो आया है ऑप्शन में, उसको इंटरप्रेटर होता है, तो इसी को देख लेते हैं। उसके बाद एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर, और उसके बाद होता है एक असेंबलर होता है।
तो जो इंटरप्रेटर होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरप्रेट करना। तो एक बार में एक ही चीज को यह कन्वर्ट करता है, एक ही इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में, जिसको आप लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है। जहां तक कंपाइलर की बात है, तो अगर कंपाइलर का आप लोग सिनोनिम सबसे पूछे तो क्या बोलिएगा, होल्ड बोलिएगा, अमास बोलिएगा, गेदर बोलिएगा, कलेक्ट बोलिएगा, ओके अरेंज बोलिएगा, तो ये सब इसके कंपाइल का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाता है। तो कंपाइलर मतलब होता है सब चीज को एक ही बार में कंपाइल करके, यानी कि जितना होल प्रोग्राम है सारा प्रोग्राम्स को एक ही बार में जो है सही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो यही इसका कंपाइलर काम होता है। और असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज बहुत ही एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, जो कि कंप्यूटर जो होता है आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर लेता है। इसको लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है, इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऑप्शन आए कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है ताकि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके, तो योर आंसर शुड बी मशीन लैंग्वेज। दिस इज अ काइंड ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, ओके। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक समय में एक ही निर्देश को तब्दील कर सकता है। तो यही कंपाइलर, सॉरी इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर और असेंबलर के बारे में भी बता दिया। तीनों चीज याद रखिएगा कौन क्या करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी नीडेड टू बी रिफ्रेश्ड आफ्टर अ फ्यू टाइम, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेमोरी है जिसको कुछ समय के बाद जो है से आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो देखिए वो होता है डायनेमिक रोम। क्या होता है डी रोम जो होता है, इसका होता है डायनेमिक रैंडम रीड ओनली मेमोरी। तो यह जो डी रोम होता है इसको कुछ समय के बाद जो है रिफ्रेश करना पड़ता है, इसको याद रखिएगा। एस रोम को आप लोग याद रख सकते हैं, इसका होता है स्टेटिक रीड, एस रैम होता है, एस रैम, ये हो जाएगा स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। और रोम को तो जानते ही हैं, रीड ओनली मेमोरी होता है। और पी से होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा पी से, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फुल फॉर्म याद रखें अगर पूछ दे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी रोम। रोम के बारे में याद रखिएगा। रैम जो होता है से आपका नन वोलाटाइल मेमोरी होता है, और यह जो उस समय काम करता है जिस समय आप कंप्यूटर का यूज करते हैं, ओके। और रोम एक परमानेंट मेमोरी होता है, इसके पूछ सकते हैं। रैम को वोलाटाइल बोलते हैं और रोम को नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, इसको थोड़ा आइडिया रखें। ऑप्शन डी रोम होगा, इसको कुछ देर के बाद रिफ्रेश किया जाता है। रिफ्रेश करने के लिए आप लोग शॉर्टकट की जो है से F5 यानी कि फंक्शन के क्या यूज करते हैं, रिलोड अगर आएगा तो भी F5 ही लगेगा। विच इज द प्लेस ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर वेयर डेटा आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सेट्स, बोला जा रहा है कि वह कौन सा ऐसा स्थान है कंप्यूटर में जहां पर जो डेटा होता है से स्मॉल सेट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में जो है से स्टोर रहता है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक रजिस्टर है, एक हार्ड डिस्क है, एक मेमोरी डिस्क है, क्या होना चाहिए। देखिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर कि जहां पे डेटा जैसे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में रहता है उसको रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, एक तरह का यह मेमोरी ही है, ओके। तो इसको आइडिया रखें, रजिस्टर मेमोरी जो, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। यह NTPC के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा है। तो ये रजिस्टर जो मेमोरी देख रहे हैं वो कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी है, इससे फास्ट कुछ नहीं है, तो इसको याद रखें रजिस्टर मेमोरी। एक मेमोरी होता है कैश, CACH, कैश नाम लिखा हुआ है कैश, लेकिन कैश नहीं, इसको कैश पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कैश होता है। कैश मेमोरी होता है एक बहुत ही फास्ट, इससे भी डेटा से ट्रांसफर होता है CPU को। जब CPU बहुत सारा ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करता है तो उस समय क्या करता है कि कैश मेमोरी उसको बहुत फास्ट ऐसे डेटा को प्रोवाइड कराता है, जिस तरह से मैं आपको फास्ट लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ। तो कैश मेमोरी से डाटा लेता है, आप लोगों को आइडिया होगा कंप्यूटर जो है कितना कैलकुलेशन को कुछ सेकेंड में ही कर देता है, तो उसको फास्ट जो है डेटा चाहिए होता है, तो कैश मेमोरी उसको प्रोवाइड करता है। एक तरह का यह हिडन मेमोरी होता है ना, हिडन मेमोरी होता है कैश मेमोरी, तो इसको आइडिया रखें। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रजिस्टर, जहां पर डेटा जो है से स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल सेट्स में जो है से रहता है उसको रजिस्टर बोलते हैं। दिस इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी यह है रजिस्टर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू मेक अ कॉपी ऑफ अ करेंट डॉक्यूमेंट फॉर अ डिस्क व्हिच कमांड यूज, बोला जा रहा है किसी डिस्क के लिए वर्तमान दस्तावेज का एक कॉपी बनाने के लिए किस कमांड का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है ना, इसका तो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ जब मैं PPT बनाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वन पॉइंट में, इसका मैं बहुत ही ज़्यादा यूज करता हूँ। जैसे कि आप देखिएगा कि जो कंप्यूटर का मेरा फाइल रहता है उसमें बहुत सारा, कंप्यूटर का यहाँ पे एक विंडो है तो इसमें बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट है तो उसमें बहुत सारा फाइल्स बहुत सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहता है इस तरह से, ओके। तो इसमें क्या करता हूँ कि ऑलरेडी मेरा कुछ कुछ PPT बना रहता है, उसको एडिट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले इसमें जाता हूँ, इसमें विजिट करता हूँ, और उसके बाद जो है एक ऑप्शन आता है सेव एज का, क्या आता है सेव एज, तो उसके बाद जब सेव एज दबाता हूँ तो यही डॉक्यूमेंट का एक नया नाम हो जाता है, बाकी मेरा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि मैं इसको डिस्टर्ब कर दूंगा तो नेक्स्ट टाइम मैं कैसे विजिट करूंगा इस पर, तो इसीलिए सेव एज का ऑप्शन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी इसी का मैं एक कॉपी यानी कि प्रतिलिपि बना लिया, बात समझ में आ गया।
तो इसका याद रखिएगा, जो सेव एज कमांड होता है, तो सेव एज कमांड का यूज करके आप लोग किसी डॉक्यूमेंट का प्रतिलिपि यानी कि उसका कॉपी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कॉपी बना सकते हैं। इसको याद रखें, इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, सेव एज कमांड का। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इमेज है जिसमें यहाँ पे सेव एज कमांड का यूज किया गया है। यहाँ एमएस वर्ड का एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट का है या एमएस वर्ड, ठीक है। एक एमएस वर्ड एक तरह का क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही इसमें सेव एज का ऑप्शन किया जाएगा तो फाइल नेम देने का ऑप्शन आता है। यही इसका खासियत है कि फाइल नेम आपका आएगा, तो फाइल नेम में इसका जो है से आप फाइल का नेम कर सकते हैं, तो जो ओरिजिनल इसका फाइल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर सेव दबा दीजिए, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं निकाला डॉक्यूमेंट, उसमें कुछ काम किया, इसमें बहुत सारा स्लाइड बनाया, ओके, तो काम किया, जैसे ही सेव दबाया ना, तो यही वाला खुद का डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, इसका कॉपी नहीं बनेगा। लेकिन सेव एज करूंगा तो बोलेगा कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह बिना डिस्टर्ब के हुए एक नया डॉक्यूमेंट उसी के जैसा आपको सेव हो जाएगा। ओके, उसके लिए सेव एज कमांड का आप लोग यूज करते हैं। तो आई होप कि सेव और सेव एज में अंतर समझ में आ गया होगा। सेव एज उसी के जैसा एक बनाने के लिए आप लोग यूज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था उसका प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करने के लिए आप लोगों को सेव एज कमांड का यूज करना चाहिए। आप लोग यूज किए होंगे अगर कंप्यूटर यूज करते हैं तो, ओके, सेव एज कमांड का आप लोग यूज किए होंगे। आप लोग अच्छे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन 7 देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपर लिंक इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में हाइपर लिंक को देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस शॉर्टकट की का आप लोग प्रयोग करते हैं? तो देखिए, एमएस एक्सेल एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें आप लोग बहुत सारा डाटा वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ओके, चार्ट वगैरह बनाते हैं, ओके, पाई चार्ट हो जाए चाहे बार चार्ट वगैरह हो, तो बहुत सारा इसका काम होता है, ओके, कैलकुलेशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है यह, ओके, चार्ट वगैरह बनाने के लिए। तो एमएस एक्सेल जो एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, उसमें हाइपरलिंक अगर देना है तो आप किसका यूज करेंगे? हाइपरलिंक मैं भी पढ़ा चुका हूँ कि हाइपरलिंक क्या होता है। जैसे कोई और वर्ड है उसको, किसी अगर किसी उसका लिंक है कोई चीज़ का, तो उसको यहाँ पर देना है, तो उसको हाइपरलिंक कैसे बनाया जाएगा? उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस की। क्या होता है? कंट्रोल प्लस की आप लोग अगर दबाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो हाइपरलिंक बन जाएगा, यानी कि जिस वेबसाइट का एड्रेस हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पार्टिकुलर वेबसाइट पे आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब किसी वेबसाइट का लिंक होता है जो कि किसी जगह पे आप लोग पेस्ट वगैरह करके रखते हैं, उसको हाइपरलिंक वगैरह वहाँ पे बोल सकते हैं, ओके। या आपका कहीं आपका अगर पीडीएफ फाइल है, चाहे कोई भी फाइल है कहीं पे मोबाइल में कोई डॉक्यूमेंट है, ओके, तो वहाँ पे भी आप लोग स्टोर करा सकते हैं। तो इंटरनेट पर भी हाइपरलिंक होता है, आप लोग देखे होंगे कि इंटरनेट पर अगर जो सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर का कोई जो है से लेटर वगैरह दिखता है या फिर सेंटेंस वगैरह दिखेगा, ओके, या फिर हो सकता है कोई वर्ड दिखेगा, तो उस वो जो देखेगा उसका मतलब क्या है, उस पर जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो किसके बारे में है वो किसी का लिंक होता है, तो वहाँ पे आप सीधे डायरेक्ट कर जाइएगा, उसको देख लीजिएगा। लिंक का एक तरह से देखने का, हाइपरलिंक का एक तरह का ऐसा आइकन वगैरह देखने को आपको मिलता है, ओके। चलिए, तो कंट्रोल प्लस के होगा। वीडियो सारा चेकआउट कीजिए तो पता चलेगा, हाइपरलिंक के बारे में बहुत सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूं। आंसर इज कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग मिस्टेक्स इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? F5, F12, F7 या फिर F8? इस क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, सारा फंक्शन किस का, जो क्या क्या फंक्शन है आपको पता होना चाहिए, ओके। टोटल 12 फंक्शन की होता है, F1, F2, F2 एंड सो ऑन अप टू F12, तो यहाँ तक टोटल 12 फंक्शन की आ जाता है। तो सारा का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। टेलीग्राम पे मैं बहुत पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ और आज फिर मैं प्रोवाइड करा दूंगा फंक्शन की। तो इसका आंसर हो जाएगा F7। F7 याद रख लीजिएगा, एमएस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह को चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लेते हैं कोई अगर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है तो उसके नीचे जो है से किस रंग का जो है से लहरदार रेखा बन जाता है, तो लाल रंग का एक वे भी जो है से आपको लाइन बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंटिल का स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए? UNTAI सिंगल एल होता है अंटिल का, ओके, तो इस तरह से चीज देख लीजिएगा, ये होता है। आप देखिए बाकी सारे जो ऑप्शन आंसर, तो F7 हो गया, बाकी F5, F12 और जो है से F8 का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? देखिए, जो F5 का होता है या रिफ्रेश करने के लिए होता है या रिलोड करने के लिए होता है। किसी वेबसाइट पे आप लोग अगर गए हैं तो उसको आपको रिफ्रेश करना है या आपको रिलोड करना है, क्या करना है? रिलोड करना है, तो उसके लिए आप लोग F5 डायरेक्ट दबा सकते हैं, ओके। F7 तो अब देखिए, जो F12 है यह आपको सेव डायलॉग बॉक्स खोलने का एक ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, सेव डायलॉग बॉक्स खोलने का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। और F8 जो होता है, जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो उस समय जो बूट मेन्यू का, बूट समझते हैं ना, बूटिंग का प्रोसेस, तो बूट मेन्यू जो है प्रोवाइड कराता है जिसमें कंप्यूटर को आप लोग ऑन करते हैं, तो बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए फंक्शन की F8 का प्रयोग किया जाता है। आज थोड़ा सा मौसम खराब है, आज तो रथ यात्रा भी है, तो थोड़ा सा आज मैनेज करके चलेगा क्योंकि भगवान जी पूरा ऊपर से गरज रहे हैं।
ओके, तो F7 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे फंक्शन की जा यहाँ पे रूल बता दिया, फिर से बताता हूँ। F12 आप लोग सेव डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए यूज करते हैं, F5 का यूज आप लोग रिफ्रेश करने के लिए या रिलोड करने के लिए करते हैं, F8 का यूज आप लोग जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस समय जो है से बूट करने के लिए, जो बूट ऑप्शन है उसको प्रोवाइड मतलब बूट ऑप्शन को खोलने के लिए जो है से इसका यूज किया जाता है F8 का। ओके, इसको आइडिया रखें। बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन करने के जो प्रोसेस होता है उसको आप लोग बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग दो प्रकार का होता है, कोल्ड बूटिंग होता है, एक वार्म बूटिंग होता है। इसमें भी क्वेश्चन बनता है, कोल्ड बूटिंग होता है जैसे कि पहले से कोई बंद कंप्यूटर है, शटडाउन कंप्यूटर है, ओके, तो उसको ऑन करने के प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और अगर अभी मान लेते हैं कोई कंप्यूटर चालू है तो उसको अगर मान लेते हैं कि आपको बंद करना है पुनः चालू करना है तो उसको आप लोग बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो इसको भी आप लोग याद रख लें। ओके, अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो वो अपने आप को बूट नहीं कर पाएगा, इसको याद रखिए, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 देखा जाए, विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड डिस्प्लेज द नेम्स ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज विदाउट साइज डेट एंड टाइम। बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा कमांड है कि, ठीक है, जो कि डिस्प्ले करता है नेम्स ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी, डायरेक्टरी और फाइल्स का नेम को बिना साइज डेट और टाइम के ही दिखा देता है। यानी कि ये कहने का तात्पर्य है कि कोई फाइल है उसको उसका नाम को वह कब आप लोग उसको स्टोर किए हैं, ठीक है, उसका साइज क्या है, किस डेट को किए हैं, किस टाइम पे आप किए हैं, वो सब दिखाएगा नहीं, सिर्फ नेम दिखाएगा और उसको आपको दिखाएगा। तो कमांड कौन सा होता है, देखिए यह जो कमांड होता है इसको याद रखिएगा, DIR डायरेक्टरी बी। जो डायरेक्टरी बी होता है सिर्फ नेम वगैरह दिखाएगा, उसका साइज क्या है, ओके, किस डेट को और किस टाइम में उसको बनाया गया है वो दिखाएगा नहीं, ओके, तो इसको DIRB बोलते हैं। तो इसको याद रखें, यह क्वेश्चन DIRB। क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करते हैं, नेम द टैग ऑफ HTML5। HTML5 का एक टैग होता है, ओके, तो उस टैग का आपको नाम बताना है कि विच इज यूज टू प्ले यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब वीडियो का जो है से प्ले करने के लिए किस HTML5 टैग का यूज किया जाता है, iframe का, वीडियो का, या फिर टैग जो ऑब्जेक्ट का है, या फिर URL वगैरह का, ओके, तो किसका प्रयोग करते हैं। देखिए YouTube वीडियो को प्ले करने के लिए जो मूव करेंगे तो YouTube के लिए iframe का यूज किया जाता है, किसका, iframe टैग का यूज किया जाता है, इसको याद रखें। YouTube तो आपको पता होगा एक जो है से वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, जहाँ पर लोग मिलियंस ऑफ जो है से बहुत सारा वीडियो वगैरह मिलियंस ऑफ वीडियो ऐसे शेयर किया जाता है, मिलियंस ऑफ वीडियो पहुँच जाएगा, बहुत जनसंख्या है, बहुत वीडियो अपलोड होता है, ओके, डेली। तो iframe का यूज किया जाता है। YouTube को 2005 में लॉन्च किया गया था, या गूगल का ही है ना, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओरिएंटेड ग्रुप एंड लैंग्वेज ऑफ अर्थ इज द फुल फॉर्म ऑफ गूगल। गूगल को 1998 में इसको फाउंड किया गया था सर्जी ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा, ओके, तो इसको याद रखें। गूगल के भी CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल इज द पैरा गूगल जो गूगल कंपनी है इसका जो अल्फाबेट इंक है उसका पैरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, इसको याद रखें, ओके। YouTube 2005, गूगल 1998, सुंदर पिचाई भी इसके CEO हैं। उनका पता है एक महीने का इनकम कितना है, बता देता हूँ, लगभग समझ लीजिए कि 145 करोड़, एक मंथ का उनका इनकम है 145 करोड़, ऑन एन एवरेज बताया हूँ, सोच लीजिए। क्वेश्चन 11 देखते हैं, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन SQL इज नॉट फ्रॉम डेटा डिटेक्शन लैंग्वेज। बोला जा रहा है कि एक SQL कमांड है आपका, ठीक है, ये कमांड आपको बताना है उसका, SQL में स्ट्रक्चर एंड क्वेरी लैंग्वेज होता है, तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन जो है से डेटा डिटेक्शन लैंग्वेज का कमांड नहीं है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप या सेलेक्ट, क्या आंसर होना चाहिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सेलेक्ट, अगर बात करें SQL में, ओके, स्ट्रक्चर एंड क्वेरी लैंग्वेज में, जिसमें डेटा डिटेक्शन लैंग्वेज अगर देखें, आइए दिखाते हैं, जिसमें देखिए डेटा डिटेक्शन लैंग्वेज, तो उसमें आपको क्रिएट देखने को मिल रहा है ऑप्शन, ठीक है, कमांड, अल्टर देखने को मिल रहा है, ड्रॉप देखने को मिल रहा है, रीनेम देखने को मिल रहा है, ट्रंकेट देखने को मिल रहा है, कमेंट देखने को मिल रहा है, कहीं पे सेलेक्ट देखने को मिल रहा है, कहीं पे नहीं ना, तो सेलेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि सेलेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह जो है SQL कमांड DDL में एक कमांड नहीं है, कौन, सेलेक्ट, बाकी क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप जैसे कमांड है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, इसको याद रखें। SQL का फुल होता है स्ट्रक्चर एंड क्वेरी लैंग्वेज, इसको याद रखें। क्वेश्चन 12 देखा जाए, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम अ सर्वर। सर्वर कहने का मतलब कोई इंटरनेट वगैरह है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से, ओके, वर्ल्ड वाइड वेब से जैसे आप लोगों को कोई चीज़ डाउनलोड वगैरह करना है तो आप लोग किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। प्रोटोकॉल को बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स, क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स को आप लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसको याद रख सकते हैं, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को बोलते हैं, और सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल्स, और सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको आप लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप लोग करते हैं काम। तो क्या होना चाहिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यूजर डेटा प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसका आप लोग यूज करते हैं। देखिए जो आप लोग देखते हैं
उसका आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहले मैं बताया भी था कि वर्ल्ड वाइड वेब पर दो कंप्यूटर के बीच में जो आप लोग जो इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको आप लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। डिस्कस मैं ऐसे किया था, आज यहाँ क्वेश्चन भी देख लीजिए, यही होता है। कहने का मतलब कि आपका अगर मोबाइल फोन है, ओके आईफोन 13, ओके तो आईफोन 13 से अगर मान लेते हैं कोई चीज़ आप लोग डाउनलोड आप लोग कर रहे हैं, ओके तो डाउनलोड कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब से कोई चीज़ में डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ जो काम करता है प्रोटोकॉल वह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से कार्य करता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पर आपको बताया था कि जो ईमेल सर्विस होता है उस या इस पे कार्य करता है। क्या होता है आपका कंप्यूटर को, ठीक है, ईमेल एक तरह से जो ईमेल होता है ईमेल सर्वर से आपको कनेक्ट करके रखता है। ओके तो इसको आइडिया रखें, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, चलिए आंसर हो गया आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कोर ऑपरेटिंग सिस्टम। बोला जा रहा है कि इनमें से कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ऐसे कौन एक कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, कि इनमें से क्या कोर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपको यही बताना है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, या फिर डेटा बेस मैनेजमेंट। देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ से अगर बात कीजिएगा तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका बहुत सारा कार्य होता है। अगर आइडिया रखिएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, एक तरह को मैं बताया था ना कि जिस तरह से आप लोगों को गाड़ी को चलना है तो रोड चाहिए, ट्रेन को चलना है तो पटरी चाहिए, ओके एरोप्लेन को चलना है तो एयर चाहिए, उसी तरह से कोई भी कंप्यूटर वगैरह को चलना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना वह काम नहीं करेगा। ओके तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए। ओके ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑपरेशन सॉफ्टवेयर नाम में इसका सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, देख लीजिएगा। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ओके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, और यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसका बहुत सारा काम होता है। बाकी जो आप प्रोसेस मैनेजमेंट देखते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट देखते हैं, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट देखते हैं, ये सारा कार्य जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट जो है डेटाबेस मैनेजमेंट वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर करता क्या है, जैसे कि कोई डिजिटल डेटा है उसको अरेंज वगैरह करने के लिए, अगर उसमें कुछ चेंज वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं, पुराने डेटा को आप लोग इरेज कर सकते हैं, अभी या फिर न्यू डेटा को आप लोग स्टोर कर सकते हैं। ये सारा काम जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, ओके DBMS बोलते हैं, यहाँ पे एस नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट लिख दिया था, लेकिन DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको फुल फॉर्म याद रखिएगा। अरे हाँ, आज एक स्टूडेंट के द्वारा मैसेज किया गया था, मैं कभी कभी वायरस का फुल फॉर्म आपको बताया था तो मैं वायरल बोल दिया था, तो फुल फॉर्म में कभी कभी निकल जाता है, वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर मैसेज बोल दिया होगा, हो सकता है, लेकिन ओरिजिनली होता है, मतलब जो इसका रियल जो फुल फॉर्म होता है वो वाइटल होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, एक पॉइंट में मिस्टेक कर दिया था, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। थैंक यू ब्रदर, ऐसे ऐसे आप लोग थोड़ा बताते रहिए, मैं भी एक दो पॉइंट सीखते रहूँगा। अभी कभी होता क्या है ना कि मतलब एक दो पॉइंट ना कभी माइंड से निकल उगल जाता है, और मतलब कोई चीज़ अगर माइंड में रहता है तो वही चलता रहता है, इस तरह से एक दो पॉइंट होता है। जैसे कि आप लोग को BIOS वगैरह था, ओके तो BIOS को मुझे अब थोड़ा सा याद नहीं रहता, बाइनरी वगैरह तो बेसिक होता है एक्चुअली में, यह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और मेरा माइंड में चलता था कि यह बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, तो इस तरह से छोटे छोटे मिस्टेक वगैरह कभी कभी हो जाते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, और एक होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके और DBMS होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही जो था से आपका कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं था, ओके ये जो है आपको बता दिया किसके लिए था, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 40 मूव करते हैं, विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। बोला जा रहा है प्रेजेंटेशन, समझ गया ना, तो प्रेजेंटेशन आप लोग बना रहे हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आप लोग देख सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बात हो रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन वगैरह आप लोग बनाए हैं, तो आपको अगर सबसे आप फर्स्ट स्लाइड पे पहुंचना है, क्या पहुंचना है, फर्स्ट स्लाइड पे पहुंचना है, तो आप लोग किसका यूज करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड बटन का यूज करें, पेज अप का बटन का यूज कीजिएगा, कंट्रोल प्लस होम का, या फिर कंट्रोल प्लस एंड का। देखिए अगर कंट्रोल प्लस होम अगर शॉर्टकट की का यूज किया जाए, ओके तो आप लोग फर्स्ट पेज पे पहुंच जाइएगा, आपका जो प्रेजेंटेशन बना हुआ है उसके फर्स्ट पेज पर आप लोग मूव कर जाएंगे, उसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की। बाकी कंट्रोल प्लस एंड है वही फर्स्ट है, यहाँ पे होम एंड में, या एंड मतलब कंट्रोल प्लस एंड कीजिएगा तो लास्ट वाला स्लाइड पे आप लोग पहुंच जाइएगा। दूसरा आता है पेज अप करने के लिए, पेज अप जो होता है किसका यूज होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा स्लाइड था, ऐसे 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 स्लाइड था, 4-5 स्लाइड है, ओके मैं इस पेज से जो है डायरेक्ट यहाँ पे मूव कर गया, ओके तो जैसे ही मैं पेज अप दबाऊंगा ना तो मैं इस पे मूव कर जाऊंगा, तो ये होता है प्रीवियस स्लाइड पर मूव करने के लिए यूज किया जाता है, ओके तो इसको आप लोग याद रखें, आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम।
नेक्स्ट आता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग की इज यूज टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ कंटिन्यूअस सेल इन इन एन एम एस एक्सेल वर्कशीट। बोला जा रहा है कि एम एस एक्सेल एक वर्कशीट जो है, ठीक है, वर्कशीट में अगर आपको सेलेक्ट करना है रेंज ऑफ अ कंटिन्यूअस सेल, ठीक है, क्या करना है, रेंज को सेलेक्ट करना है कंटिन्यूअस सेल का, तो किसका यूज करेंगे, ऑल्ट का, शिफ्ट का, टैब का या फिर कंट्रोल का। देखिए इसमें जो यूज होता है आप लोग जैसे शिफ्ट की का यूज करते हैं, किसका, शिफ्ट की का यूज करते हैं, इसको आप लोग आइडिया रखें। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, या जैसे कि आप लोग पूछे कि रेंज आखिर क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को रेंज बोलते हैं, टीसीयू नहीं ना, यहाँ पर बायोलॉजी नहीं चल रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स को रेंज कहा जाता है। तो देखिए समय समय पर हर एक चीज़ सही नहीं होता है, ठीक है, समय पर बस सही सही चीज़ जो होता है वो भी बदल जाता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को रेंज कहा जाता है, देखिए रेंज दिख रहा है आपको, एक रेंज दिख रहा है, तो इस रेंज को सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट की दबाना पड़ेगा, क्या दबाना पड़ेगा, शिफ्ट की दबाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है से यह एक रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, कंटिन्यूअस सेल उसको रेंज आप लोग बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को रेंज कहते हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट की दबाना है। टैब की का यूज देख लीजिए कहाँ पे है, जैसे टैब की वगैरह देखते हैं, तो टैब की का प्रयोग जैसे आप लोग जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कॉलम वगैरह, जैसे बहुत सारा देखिए मान लेते हैं कॉलम है, ओके, तो इस कॉलम से इस कॉलम पे आपको मूव करना है लेफ्ट टू राइट, तो आप लोग टैब की का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, टैब की का प्रयोग करके एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर लेफ्ट टू राइट जैसे मूव आप लोग कर सकते हैं एम एस एक्सेल में, जो कि एक आप लोग दे सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर नहीं, डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका एम एस वर्ड हो जाएगा। समझ चुके होंगे सारा चीज़, तो इसको देख लीजिएगा रेंज वगैरह क्या होता है, ओके, सेल वगैरह क्या होता है, ठीक है। इतना जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है ना, ये जो कंपार्टमेंट दिख रहा है इतना ईटा जैसा चीज, इसको सेल बोलते हैं, इसका ग्रुप बन गया सारा सेल, तो इसको रेंज आप लोग बोलते हैं, ओके। आप लोग बताया था कि जब मैं बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ ना, तीसरे से बताता हूँ कि जो सेल होता है वो क्या होता है, जैसे कि घर में जिस तरह से ईंटा होता है, ईंट लगता है, तो बहुत सारा ईंट मिल मिलकर जो है पूरा घर तैयार होता है, उस तरह से पूरा बॉडी ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है यानी कि सेल, तो उससे बनता है, तो यही सेल जो होता है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। देखिएगा यहाँ पे जो आपका एक्सेल का जो एक शीट होगा उसका, ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा शिफ्ट ना। चलिए बाकी कंट्रोल वगैरह सब होता है ना आपको, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जैसे मॉडिफायर कीज वगैरह होता है, ओके, क्या होता है, ऑल्ट वगैरह है, प्लस में आपका यहाँ पे शिफ्ट दिख रहा है, प्लस में ऑल्ट है, सब मॉडिफायर कीज है, अलग अलग इसका यूज वगैरह कर सकते हैं। ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, सॉरी कंट्रोल, एक विंडोज की भी एक मॉडिफायर की में ही आता है, तो सर मॉडिफायर कीज वगैरह में देख सकते हैं। यही सारे 15 क्वेश्चन आज कंप्यूटर लैंग्वेज था, और वीडियो थोड़ा सा फास्ट में प्रोवाइड आपको कराने वाला हूँ, ओके, देखता हूँ आज एक मैं वीडियो फिर से अपलोड करने वाला हूँ, ओके, और वीडियो क्या होगा अभी तो मैं नहीं बता सकता, बट वीडियो होगा कुछ झारखंड से रिलेटेड ही होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक आते हैं तो वीडियो लगता है कि हाँ भाई लाइक कर देना चाहिए, तो इतना बंदा बोल रहा है तो भाई एक लाइक दे दें, ओके, शेयर भी कर दें, लोगों को फायदा पहुँचाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वंदे भारतम।